हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं रात को स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग। और ये ब्लॉग दूसरे दिन है क्योंकि कल रात को जयपुर में इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी ना भाई, जिसकी हद नहीं। सब लोग सो रहे थे, सुबह के 2 बजने के बाद में बारिश स्टार्ट हुई है और पूरे दिन बारिश चली है। कहीं कहीं इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, इतना पानी भर गया कि लोगों को पता ही नहीं है रात को कितनी बारिश हुई है। जब सुबह देखे ना, तब हर जगह पानी पानी नजर आ रहा था। और मैं तो रात को गया भी हूँ 3-4 बजे उठ के, क्योंकि मेरे को ऑफिस में जाना था, स्टोर पे देखना था कहीं पानी नहीं भर जाए, सारा सामान पानी में डूब नहीं जाए, इसलिए मेरे को जाना था। तो मैं जग गया था जल्दी, बारिश इतनी तेज आ रही थी कि मैं जग गया था। जब पहुंचा ना स्टोर, तब तक तो भाई पूरे रास्ते में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ था, इतना ज्यादा, कई कई जगह तो गाड़ियां ही रुक गई थी, कई कमर कमर तक पानी आ रहा था, रोड कम लग रही थी, ऐसे लग रहा था नदी बह रही हो। तो अब मैं वो क्लिप दिखाता हूँ आपको और वो सारे सीन दिखाता हूँ जो रात को किस तरीके से थे भाई। चोरी छुपके क्या, ऐसे मान लो कि बड़ी मुश्किल से मैंने वो वीडियो शूट किया, क्योंकि ऊपर से बारिश आ रही थी, पूरा भीग गया था और पानी भरा हुआ था, डर भी लग रहा था कहीं मोबाइल गिर नहीं जाए पानी में। फिर भी मैंने वो वीडियो बनाया। आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा और आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए। वाला गाड़ी बंद हो गई उनकी, तो गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई, कहाँ से लेके जाएंगे गाड़ी को। गाड़ी ये वाली गाड़ी फंस गई, ये तो निकाल के ले आया भाई कैसे भी करके, पर वो तो गाड़ी बंद हो गई। और टाइम हो रहा है अभी रात के 4 बज रहे हैं सुबह के, क्या देखो भाई कमर कमर तक पानी भरा, कमर कमर तक भाई साहब। ये पुल से नजारा देखो, नदी ज्यादा लग रही है, रोड कम लग रही है, ये देखो। ओहो भाई जोरदार, जयपुर में इतनी जोरदार बारिश। और कल ही इसका देखो इनॉग्रेशन हुआ इस वाली पुलिया का, और आज इतनी ज्यादा जोरदार बारिश, आज पता लग जाएगा इस रोड का भी कितनी अच्छी बनी है कितनी नहीं बनी। ये देखिए रोड कम लग रही है और समुद्र बन गया चारों तरफ से, ये देखो बहुत खतरनाक तरीके से बारिश भाई। 4 बजे उठ करके ये देखो, और ये देखो पानी का बहाव, ये देखो कितनी जबरदस्त बारिश है यार जयपुर में। सब लोग बोल रहे थे बारिश नहीं है, बारिश नहीं है, देखो देखो जयपुर में बारिश कितनी जबरदस्त हो रही है यार। ये देखो शोरूम वोरूम में पानी जा रहा है, ये जा रहा है सब भाई साहब। गाइस ये देखिए शोरूम के बाहर, ये भाई लोग सो रहे थे इधर, यही जग गए, इनकी नींद खुल गई यहाँ से तो। और ये देखो भाई माहौल, गाड़ी देखो गाड़ी कितनी कितनी पानी में, ऑटो ऑटो सब चल नहीं रहे तो जबरदस्ती बाइकें लेके आ रहे, नहीं तो बाइक। ये देखो कितनी ज्यादा, और ये देखो भाई ये देखो साइलेंसर से कैसे पानी आ रहा है, ये देखो यहीं से ऐसे जा रहा है, नदी क्या समुद्र की लहरें आ रही है ना, ऐसे खतरनाक लहरें आ रही है। देखो यहाँ से तो और खुली हो गया, ये लो एक गाड़ी तो रुकी गई इसके अंदर, ये देखो अभी स्टार्ट भी नहीं होने वाली और ये तो गड़बड़ हो गया इसका मामला ही। और ये देखो भाव, देखो इधर कितना तेज आ रहा है भाव भाई, यहाँ पे देखो आप बह ही जाएगा, अगर कोई इसमें चला गया तो बह ही जाएगा। गाइज अभी मैं पुलिया के ऊपर खड़ा हूँ और पुलिया के नीचे से देखो पानी रात में किस तरीके से बह रहा है भाई। आज तो मेरा मोबाइल की भी पानी चला जाएगा ऐसे लग रहा है, ये देखो कैसा जा रहा है। गाइज अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 और अभी तक एक भी दुकान ओपन नहीं हुई, मार्केट बिल्कुल भी नहीं ओपन हुआ। और मैं आ गया अपने शोरूम पे, ये देखे भाई साहब शोरूम को ओपन कर लिया आकर के, क्योंकि नीचे बेसमेंट में पानी भर गया था, इसलिए आके देखना है। फिर भी पानी तो आ गया थोड़ा बहुत, और देखो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है भाई, पूरा मार्केट तो बंद पड़ा हुआ, पूरा मार्केट कुछ भी नहीं है देखने को, और एक भी गाड़ी नहीं चल रही। पानी देखो आप, पानी का फ्लो भाई कितना ज्यादा तेज बह रहा है, देखो भयंकर बारिश है भाई जयपुर में भयंकर। सब लोग बोल रहे थे गर्मी पड़ रही है, अब लो बारिश, ये देखो कितनी ज्यादा हो रही है।
भाई नीचे चल के दिखाता हूँ मैं आपको कि पानी कितना आया। अभी तो लाइट ऑन करते हैं, ये देखो यहाँ पे भर गया भाई पानी। ये तो फिर भी कमाया है, यहाँ पे ड्रम वगैरह रखे हुए थे उनको साइड में कर दिया यहाँ पर, और ये देखो गिटार विटार इधर लगे हुए, यहाँ से पानी आ रहा है पता नहीं। ये तो बहुत कम है, अभी बाहर से कुछ मोटर लगा करके इसको निकाल दिया, अब बाकी इतना ज़्यादा पानी आ रहा ना भाई पूछो मत, पूरा भर जाता ना, तो इधर स्टॉक रखा हुआ है ये सब पूरा भीग जाता। तो भाई ये हालत जयपुर दुर्गापुरा के, देख लो भाई गाड़ियों से कैसे पानी बह रहा है, डस्टबिन तक बह गए लोगों के। गाइज ये देखे सुबह 5:30 के टाइम हो रहा है, और ये देखो भाई दुर्गापुरा में पानी पानी चारों तरफ। ये देखो गाइज आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर मेरे को तो दिख रहा है, देखो घर के अंदर तक पानी चला गया। और ये देखो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं पूरा खुद पानी के अंदर खड़ा हूँ, यहाँ तक पानी आ रहा है, गाड़ी पानी में खड़ी है पूरी रोड पे गाड़ी। और एक ईवी गाड़ी है, जो ईवी गाड़ी खराब हो गई इधर, इसको टॉचन करके ले जा रहे हैं। और ये देखो भाई साहब पानी की स्पीड देखो आप, तो रोड कम नदी ज़्यादा लग रही है। ये देखो नंबर प्लेटें निकल गई, और भाई भाव ये देखो लहरें ऐसी आ रही जैसे समुद्र की लहरें हो, गाड़ी निकलती है ना जिसमें ही भाई, ये देखो कैसे बिड़ रहा पानी, जोरदार जोरदार बारिश। गाइस मैं आ चुका हूँ द्रव्यवती नदी पर, नदी का हाल देखो किस तरीके से बह रही है भाई, इतनी ज़्यादा भयंकर तरीके से, ये देखो कहाँ कहाँ तक भर रखी है, जो येलो जोन है ना वहाँ तक तो आई गया, इसका रेड अलर्ट के पास में आने वाली है। ये देखो भाई डर लग रहा है देखने में भी। और ये देखो एक ग्रीन सीट कितनी मस्त लग रही है यहाँ पर, और सॉरी ग्रीन में सीट कितनी मस्त लग रही है, ग्रीनरी हो रखी है इधर। ये देखो अब देखो आप भाई साहब जयपुर की इस सीजन की सबसे तेज बारिश है, जोरदार ही बारिश हो रही है, शानदार मजा आ गया भाई बारिश में, पूरी गंदगी साफ हो गई, पूरी गंदगी, जोरदार बारिश है जोरदार, देखने में डर लग रहा मेरे को तो। और गाइज ये है दूसरी तरफ का व्यू इसका भाई, अब देखिए कितनी भयंकर हो रही है गति, देखो पानी की स्पीड देखो, अगर कोई और हो ना तो इसमें तो बह जाए, बच्चे बच्चे हो या बड़ा बड़ा भी हो ना तो भी बह जाए, या कोई गाड़ी वाड़ी हो ना सब बह जाए इसमें, कितने भयंकर। नीचे देखो देखने में डर लग रहा है, ऐसे बड़ी नदी होती है ना, बड़ी नदी उफान भी आ जाती है वैसे लग रही। आज सुबह के अभी बज रहे हैं 5:30, बारिश हो गई कम, और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे द्रव्यवती नदी पे, नज़ारे पूरे जयपुर सीट अंदर जाके आया हूँ। गाइस ये था ना एयरपोर्ट पर सरस देवी की गाड़ी, ये देखो कितने पानी में खड़ी हुई है, और सामने से गाड़ियाँ आ रही है भाई, पूरी रोड इतनी बड़ी रोड है, सारी रोड पे पानी भरा हुआ पूरी पे, और देखो बराबर लग रहा है चारों तरफ से, मन ही नहीं कर रहा, मैं घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ पर मन नहीं कर रहा आगे जाने का, क्या पता खड्डे वड्डे हो या फिर पार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये देखो भाई पर अभी भी मैं पानी के अंदर ही खड़ा हूँ, ये देखो बाइक के इंजन तक पानी आ रहा है, इंजन तक अभी यहीं पे इतना है, तो आगे कितना होगा ट्राई करता हूँ आगे जाने की। ये देखो भाई भाई इतना भयंकर, ये देखो ये भाई जूते वूते पहन के सब गीले हो गए, समझ नहीं आ रहा क्या करे, आगे जाने ना है नहीं जाना है, पार तो करता हूँ कैसे ना कैसे करके कर जाऊंगा पार तो। गाइज अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:30 अभी तो, और अब लोग आ रहे हैं और अपने अपनी दुकानों को संभाल रहे हैं यहाँ पर, और देखो ना तो दुकान का पता चल रहा, ना डिवाइडर का पता चल रहा, ना किसी और चीज का पता लग रहा, गाड़ियाँ स्पीड में आ रही है ना तो समझ ही नहीं आ रहा, सामने वाले का तो फ्लो ही खत्म हो जाता आता जब। और देखो भाई अभी भी डिवाइडर पे चल रहा हूँ तो इतने पानी में चल रहा हूँ, ये देखो। और ये है एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट के एयरपोर्ट वाला रास्ता है ये सामने एयरपोर्ट का भाई, जोरदार हाँ, ये देखो भाई जोरदार ये गाड़ियाँ आ रही है,
ये भाई देखो इतनी बारिश में भी चाय, कहीं से चाय लवर होते हैं जो चाय लेके आ रहे, कहीं से भी लेके आ रहे पर चाय लेके आ रहे। बादल हैं, बादल फट गए, बादल ही फट गए और क्या था। तो बारिश बारिश कर रहे थे, बारिश आ गई ना अब। ये देखो अल्लो लो लो, वो गाड़ी वाला गिरा भी तो बोल, ओ भाई जोरदार ही फ्लो था दोनों गाड़ियों का आपस में। धीरे धीरे निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो अब घर पे जाऊंगा ना, घर पे उस साइड में भी है। गाइस हालत बहुत ज्यादा टाइट है जयपुर की, और अभी भी है ना कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि मौसम साफ हो जाएगा। अभी भी देखो घने बादल छा रहे हैं, अभी भी मौसम ऐसा झूम रहा है। अब लग रहा है रियल में कि हाँ अब आया सावन। इतने दिनों से लग रहा था कि बारिश नहीं आ रही, बारिश नहीं आ रही, पर अब आया सावन और एक ही दिन में सभी लोगों को पता लग गया कि कितनी भयंकर बारिश आई है। और अभी तो रात हुई है, सब लोग बाहर निकलेंगे ना, सब लगेगा इतनी बारिश भी हो गई क्या। ये देखो बस, स्कूल बस हो रही है सब। आज तो स्कूल की तो छुट्टी मान लो आप, शायद ही होगी जाने के लायक होंगे बच्चे, क्योंकि तो इतने पानी में कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ तक। और ई रिक्शा तो रुक गया, इसके भाव में रुक गया तो जा ही नहीं रहा आगे। वो एक गाड़ी तो वहीं पे खराब हो गई, वहीं पे रुकी हुई है, उसकी नंबर प्लेट वगैरह सब टूट गई, जहाँ इधर से पानी जा रहा है ना उसके प्रेशर से ही। तो गाइस आपने देखा कि किस तरीके से बारिश हुई थी, कितनी जगह जगह पे पानी भरा हुआ था और क्या क्या सीन थे रात को देखने को। तो गाइस आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कैसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।